साथ था, मैं इंट्रोडक्शन के बारे में फिर आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर देंगे। मेरी जैसे कि जो था कि आई स्टार्टेड अमेजॉन इंडिया पब्लिशिंग बैक इन 2018 में। बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा था, आई स्टार्टेड दैट सॉफ्टवेयर हाउस बैक इन 2012। सो वो सॉफ्टवेयर हाउस मुझे कुछ रीजंस की वजह से बंद करना पड़ा। तो मैं उस वक्त एक्टिवली नई इनकम स्ट्रीम देखा था, मैं सोर्सेज देख रहा था जहाँ से बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग किया जा सकता। मैं सॉफ्टवेयर हाउस को बंद कर रहा था, मेरे पास डेवलपर्स भी थे और डिजाइनर्स भी थे, सो मुझे उनको किसी ना किसी से यूटिलाइज करना था। ठीक है, सो डिजाइनर्स के साथ क्योंकि मैं ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होता था, तो मैंने ये देखा कि दुनिया आ रही है फिजिकल प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन एक नई चीज आ रही है उसको बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। अगर फिजिकल प्रोडक्ट तो हम सबको पता है कि भाई कोई चीज है, माइक है या माउस है, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट आप हाथ में पकड़ सकते हैं, इसका वेट है, ठीक है, टच कर सकते हैं, वो आप चाइना से मंगवाएं, पाकिस्तान से मंगवाएं, कहीं से मंगवाएं, उसके बाद आप उसको किसी भी मार्केट प्लेस में भेजें, ठीक है, और आप उसको सेल करें। तो ये बात तो मुझे सब डिफरेंस में आई, ठीक है, लेकिन फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा डिजिटल प्रोडक्ट का, वो मेरे लिए बड़ी नई चीज थी, क्योंकि मेरे पास डिजाइनिंग की टीम थी, तो मैंने ये चीज थोड़ी सी तरह से उनसे डिजाइनिंग से मंगा के। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती है? डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई भी आपने स्पोर्ट्स कार्ड बनाया, लोगो बनाया, कोई भी चीज आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप सबने देखा कई लोगों की वेबसाइट होती है, सब लोगों से लोन होते हैं, कई लोगों से अलग आ रहे होते हैं, कई लोगों से अलग आ रहे होते हैं, इलस्ट्रेशन होती हैं, ठीक है, आर्टिस्ट बना के इंटरनेट पर डाल देते हैं, आप उसको जितनी दफा यूज करना चाहें करें, इतनी दफा आपको उसको पे करना पड़ता है, पे भी होती है। सो डिजिटल प्रोडक्ट की संख्या जो कि आपने एक दफा बना, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने पहली चीज डिस्कवर की थी, और अमेजोन के लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप सब लोगों ने प्राइवेट लेबर तय की है, होलसेल बाकी सारी चीजों से लेकर भी शायद आपने अमेजोन मर्च के बारे में ना सुना होगा। अमेजोन मर्च, MERCH, ठीक है, अमेजोन मर्च अमेजोन के प्लेटफॉर्म है, इट्स अ प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म। प्रिंट ऑन डिमांड की लेकर सारी चीजें मैं आपको साइज में दोबारा से बता रहा हूँ, कोई चीज आपने इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। सो अमेजोन मर्च कैसा प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर आप डिजाइन अपलोड करते थे, ठीक है, और वो डिजाइन किसी फिजिकल चीज के ऊपर प्रिंट होके कस्टमर को मिलते हैं। तो मेरे पास डिजाइन थे, मैंने घर पर डिजाइन बनाया, मैंने डाले, मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैंने कहा। सो वहां से मेरा सफर स्टार्ट हुआ अमेजोन पे डिजिटल प्रोडक्ट पब्लिश करने का। देन फिर मैंने इंडियन डेयर पब्लिशिंग अगेन अमेजोन पे एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, अमेजोन के लिए स्पेसिफिकली फॉर बुक्स। अच्छा, हर चीज के अंदर ना जो चीज मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे सजेशन भी दूंगा और अपने एक्सपीरियंस से भी उसको रिलेट करूंगा कि जिस तरफ सारी दुनिया जा रही होती है, ठीक है, जरूर होती है, पोटेंशियल होता है, उसको जरूर ट्राई होते हैं, लेकिन साथ में सेकेंडरी इनकम के लिए या एक पार्ट टाइम प्रोजेक्ट के लिए एक किसी नई चीज को एक साथ में एक्सप्लोर जरूर करें। सो मेरा भी उस वक्त गोल था, मुझे भी उस वक्त अमेजोन के बाकी बिजनेस मॉडल्स भी अट्रैक्ट कर रहे थे, मैंने प्राइवेट लेवल भी सीखना स्टार्ट किया, मैंने ट्राई भी किया और बहुत मेरा प्राइवेट लेवल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन मैंने गाइड बहुत किया, उस नॉलेज को मैंने जब यूटिलाइज किया उसी से रिलेटेड अपने बिजनेस मॉडल्स में, तो अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ अमेजोन के लिए डायरेक्ट पब्लिशिंग 2018 में, आप सब ऑलमोस्ट 5 ईयर्स पहले, ठीक है, उस वक्त उसका बिजनेस मॉडल क्या था कि आप किताब देते हैं, ठीक है।